आपका बोलता बिहार न्यूज मीडिया में स्वागत है। नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। बरौनी थाना के निंगा पंचायत अंतर्गत मिर्जापुर गांव का 21 वर्षीय दलित युवक मृतक सुमन पासवान, पिता गणेश पासवान, जो अमरेंद्र सिंह के यहां ही रहकर नौकरी करता था, और उसी गांव के अंजनी सिंह, जो अमरेंद्र सिंह के अपने चचेरा भाई हैं, वह अपना मकान निर्माण कार्य के लिए खेत से मिट्टी कटवा रहे थे। अंजनी सिंह द्वारा कटाई की जा रही थी। मिट्टी की शिकायत मृतक सुमन द्वारा अपने मालिक अमरेंद्र सिंह को बोल दिया। दोनों चचेरे भाइयों में पहले से ही जमीनी विवाद था, जिस कारण अंजनी सिंह और अंजनी सिंह का लड़का अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मृतक सुमन को सड़क पर पकड़ बुरी तरह से अधमरू कर मारा। शाम ढलने के कारण उसने सुनसान जगह पर ले जाकर मारते मारते उसकी हत्या कर दी और सुनसान बांस के बीट में रस्सी से टांग दी, और किसी के द्वारा आत्महत्या करने की सूचना पुलिस तक देकर लाश को पोस्टमार्टम करने के लिए भिजवा दिया। फेसबुक पर खबर पोस्ट समाचार के द्वारा यह खबर उपेंद्र कुमार पासवान, जिला अध्यक्ष अखिल द्वारा दुसात उत्थान परिषद बेगूसराय सदस्य जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण SC ST बेगूसराय को मिलने के बाद उन्होंने कहा कि यह सब सूचना निंगा पंचायत के मुखिया आफाक अख्तर द्वारा पुलिस के जांच में बताई जा रही है, जो पूर्णतः सत्य है। लेकिन बरौनी पुलिस द्वारा घटना की बिना जाँच किए यह कह देना की घटना आत्महत्या है, यह दुर्भाग्यपूर्ण और दबंग हत्या के आरोपी को किसी न किसी रूप से बचने की असफल कोशिश की जा रही है। श्री पासवान ने कहा कि नए पुलिस कप्तान और कुशल सदर पुलिस उपाधीक्षक बेगूसराय से अपील करता हूं, दलित युवक हत्या कांड को स्वयं मॉनिटरिंग कर हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तारी की जाए, ताकि गरीब दलित परिवारों को न्याय मिल सके। बेगूसराय से राम आधार सहनी की रिपोर्ट। धन्यवाद।